पहले हमारे असलम भाई, आपका इस्तकबाल है। जी साहिल भाई, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर मुझे बैक टेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रीम में व्यूअर्स बहुत ज्यादा है और मैं भी इतनी नाम से देखूंगा। मेरे पास मतलब 7 से 8 आपके टॉपिक के मुताबिक आज रिवायतें मैं निकाल के बैठा हूँ। उसमें से हाँ। एक बशीर करके थे, बशीर, और हाँ। ये जो थे जबान से लुकनत हासिल किए हुए, मतलब वो बहीर बोलते थे अपने आप को, बहीर, सही है। तो अब ये इनके मरने का वक्त आया, ये बूढ़े हो चुके थे, तो हाँ। रसूल अल्लाह को संदेशा भेजा किसी काफिर के हाथ। हाँ। अब हाँ। साहिल भाई, यहाँ पर सोचने वाली बात है, अब ये काफिर पहुंचा रसूल अल्लाह के पास और कहा कि ये जो बशीर है, बहीर, तो ये अब मरने वाला है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आ हुजूर ने कि मिट्टी उठाई और मिट्टी में थूक दिया। ये पहली रिवायत में, सही है, मैं इसके ऊपर वीडियो भी दे सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं वीडियो भी, अगर किसी को कोई एतराज हो तो मैं वीडियो का लिंक भी दे सकता हूँ, आप पूरा देख सकते हो आराम से, सही है। और वैसे नंबर भी हाजिज होके, कोई बात नहीं। तो अब इन्होंने मिट्टी में थूका, देखिए थूकने वाली में दो चार रिवायतें आपको कहता हूँ। अब वो काफिर लेके गया और वो मिट्टी उसने उनके मुंह में डाल दी बशीर के, सही है। और रसूल ने संदेशा भिजवाया कि आज के बाद वो बहीर नहीं है बल्कि बशीर है, सही है। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी मिट्टी मुंह में डाली, उसकी वजह से फिर जब तक जिंदा रहे, पहले तो वो मर्ज सब जाता रहा, वो जिंदा हो गए बिल्कुल, अब मरने वाले नहीं है, पहली खराब नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि जब तक जिंदा रहे वो अपने आप को पहले बशीर बुलाते थे, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, पहले बशीर बुलाते थे, अब सॉरी पहले बहीर बुलाते थे, अब बशीर बन गए। और थोड़ी मिट्टी उन्होंने अपने बालों में भी डाली, तो जहां पे बाल खत्म हो चुके थे वहां नए बाल उगाए, और जब तक वो जिए वो बाल काले रहे। बोलो क्या बात, यानी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, सुभान अल्लाह, कॉस्मेटिक ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और वो जो ट्राइकोलॉजी क्या क्या है ना, अलग अलग थेरेपी, ये सब फेल कर दिया रसूलुल्लाह जो है 1400 साल पहले उनके थूक मुबारक में मिट्टी में मिलाने के बाद इंसान जो है मरने से बच जा रहा है, उसके बाल आ जा रहे और काले रह रहे मरने तक। क्या बात है यार, वाह रसूलुल्लाह, वाह माशाल्लाह। ये अबू नुआइम ने रिवायत की थी आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, ये हो गया एक खत्म, सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, कतादा बिन उमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही है। तो ये जंगे उहद का मौका था, तो जंगे उहद के मौके पर इनका आंख का डेला बहा। अच्छा, उससे पहले एक मिनट, खाली 10 सेकंड दीजिएगा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये भोकाल जी का बड़ा जबरदस्त कमेंट आया, डॉक्टर बत्रा लेफ्ट जॉब, डॉक्टर बत्रा विल बी लाइक, अब मैं क्या करूं, ले भाई एक बंदे की जॉब गई। अरे एक बंदा डॉक्टर बत्रा का भाई, पूरे इंडिया में इसका क्लिनिक्स है, बिल्कुल। हाँ साहिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो वो डॉक्टर रहते हैं ना, नाम अधिसिद्ध पतन, ये मतलब जो सेक्सोलॉजिस्ट रहते हैं, वो भी उनका भी कोर्स किया था क्या उन्होंने, ये मेरा क्वेश्चन था, किसी ऐसे बंदे का भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया था क्या? तो उसके लिए कहाँ थूकना पड़ेगा, आप कुछ सोच लो। हाँ वही मैं पूछा था, वो मेरा क्वेश्चन था, कोई अगर मोमिन इसका आंसर दे पाए भाई तो मैं। मेरा भी साहिल एक क्वेश्चन था, वो ये कि जब रसूलुल्लाह इतने थूक से भरे हुए थे और बदर के मकाम पे एक यहूदी औरत ने जहर दे दिया, तो वो तो जहर असर ही नहीं करना चाहिए था, वो थूक जो उसको एकदम से वो खत्म कर देता जहर के असर को, वो बेचारे जहर से ना मरते हमारे नबी। जहर का एंटीडोट था उनके पास में, जहर का एंटीडोट ऑलरेडी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था। हाँ ए असलम भाई को अपना बात रख लेने दीजिए, फिर हमारे साथ सच्चा मुस्लिम साहब जुड़े हैं, इनसे ही बात कर लेंगे। असलम भाई आप अपना फटाफट पॉइंट रखिए। जी, अब कतादा बिन उमान रजी अल्लाह तआला का आंख का डेला उहद की जंग के दौरान निकल गया, तो ये क्या किया इन्होंने, आंख का डेला लेके पहुंच गए अपने अकरम नूरे मुजस्सम साहे बनी आदम की बारगाह में, सही है। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हुआ, तो कहा जंग के मौके पर ये हो गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है मगर मेरी बीवी मुझे काना बोलेगी। अच्छा ये बात है, तुम्हारी बीवी तुम्हें काना बोलेगी, कोई बात नहीं। इन्होंने उस आंख के जो डेला है, जो आईबॉल जो है, उसके ऊपर थूक लगाया और पिट कर दिया, तो वो चिपक गया वहां पर आंख का डेला।
अब ये जो कतादा बिन उमान रजी अल्लाह तआला अनु है वो फिर आगे रिवायत यूं करते हैं कि जब तक मेरी आंख सलामत रही, पहले तो हाँ। क्या हुआ कि जैसे कि एक जो आंख डैमेज हुई थी उस आंख में ज्यादा नूर आ गया पहले वाली आंख से। हाँ 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 सुभान अल्लाह। और जब तक मैं जिंदा रहा, अब हाँ। ये मरने के बाद तो कोई नहीं कह सकता, मगर इन लोगों ने इस तरीके से किया है कि जब तक मेरी उम्र हाँ। रही मुझे कभी आंसू भी चश्म नहीं हुआ। क्या बात। हाँ ये कतादा बिन उमान का कहना है। अब जंगे उहद के मौके पर एक तीसरी रिवायत है, एक हाँ। जंगे उहद के लिए जा रहे थे, एक औरत आई तो वो रसूल अल्लाह से कहती है कि मेरे बच्चे को बहुत शरीर जिन्नात आते हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके उसका मुंह आगे किया, ये फास्ट फास्ट बता रहा हूँ मैं, और अपना अपने मुंह का लुआ भी दहन उसके मुंह में डाल के आगे चले गए। अब जंग से जब वापस आए, हाँ हाँ मुंह में डाल के वापस चले गए। अब जंग से अब जंग से जब वापस आए तो हाँ। वो कहते हैं कि वो जो औरत थी उसने वो रिवायत की जिसके बच्चे को ये थूक डाला गया कि ये लुआ भी दहन के बाद कभी भी मेरे बच्चे को जब तक जिया तब तक कभी भी जिन्नात ने असर नहीं किया। हाँ। और दूसरी दूसरी मुंह में कौन थूकता है यार। नहीं नहीं दूसरी साहिल दूसरी हदीस में जिन्नात जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकरबून कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरे पिछवाड़े में बड़ा दर्द हो रहा है। भाई वो थूक अपने मुंह में भी डाल लेते थोड़ा सा यार, जिन्नात से बच जाते। बाप रे बाप। चलो असलम भाई मैं कॉलर को ले लूं, आप बने रहिए। और हमारे मुन्ना भाई भी जुड़ना चाहते हैं। बुक वाला जी आप मोमिन है क्या, एक बार कंफर्म करिए यार। बुक वाला जी अगर आप मोमिन नहीं है तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। मैं बैठते जो के YouTube बुक वाला जी अगर मोमिन नहीं है चले साहिल मैं भी निकलता हूँ, वो मुन्ना भाई आ रहे हैं। ओके रोमन भाई मैं आपको ले रहा हूँ, आप फिर से जुड़ जाइएगा, आपकी बात कम्प्लीट नहीं हुई थी। बुक वाला जी, ये बुक वाला जी एक्स मुस्लिम है क्या, मोमिन क्या है बुक वाला जी, अगर आप मोमिन नहीं है या एक्स मुस्लिम नहीं है तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। ने वन क्वेश्चन भी नहीं भाई, प्लीज छोड़ दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कोई भी नॉन मोमिन मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा यार। सीकर साहब अगर मोमिन नहीं है तो मैं भी सीधा ब्लॉक कर दूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ हमारे मोमिन भाई लोग और मुन्ना भाई को जुड़ने नहीं मिल रहा है। थर्सडे की स्ट्रीम करता हूँ ना यार आप लोगों के लिए, सुबह सुबह मेरा फजर का वक्त है 11:30 का, उसमें भी मैं उठ के आप लोगों के साथ जो है एक दिन स्ट्रीम कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज मोमिन वाली स्ट्रीम में मत जुड़े यार, जगह ब्लॉक हो जाती है यार, प्लीज। सोमराज सोमराज जी आप भी स्टूडियो छोड़ दीजिए, बुक वाला जी स्टूडियो छोड़ दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। सुपर चैट ले लेते हैं फिर हमारे सच वाला जी से बात करेंगे, सॉरी सच वाला जी सच्चा मुस्लिम से। सचगुरु कह रहे इस्लाम का सिस्टम हैंग हो गया, अपडेट ही नहीं होता, पूरी तरह से हैंग है भाई। आरडी जी कह रहे कोई बवासीर का इलाज बताओ यारो, वो तब पिछवाड़ी में जो है खोल के कोई आपका जो पसंदीदा इंसान है उसको आप जो है वो वहां पे थूक देने बोलो तो बवासीर का इलाज आपका हो जाएगा आरडी साहब। डॉक्टर डेली आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। एसएस कह रहे इसके बाप ने जिन गिने हैं करोड़ लोग, रोमन की अम्मी 60 ml बना बना के पिलाती थी। जितेंद्र सिंह भंडारी साहब कह रहे पॉइजन का असर इसलिए हुआ क्योंकि रसूलुल्लाह ने थूका नहीं ऊपर मुंह करके, अदरवाइज बच जाते, फायदा तभी होगा जब थूकते थे। अच्छा थूकने पे ही फायदा है, वो एक्टिवेट तब होता था उसका असर, थूकने पे अंदर सिर्फ रहने से नहीं होता था, इसके लिए रसूलुल्लाह थूक देते थे। शिवी पांडे आपके कॉन्ट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। दंजियन अरे यो यो मम्मा यो यो कुछ खतरनाक मैटर लाए हो मेरे ख्याल से तुम। नहीं नहीं मैं बोला थूक के रसूलुल्लाह खुद चाट लेते तो भी काम हो जाता था भाई, थूकने का और चाट लेने का। हाँ ये भी बात है भाई। बढ़िया क्या बढ़िया। ह्यूमन बीइंग कह रहे साहिल एडम की डिबेट ओएसी एक्सेट्रा के साथ सेट करो। ह्यूमन बीइंग भाई मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबल है क्योंकि ओवैसी साहब जो है ये एक पॉलिटिशियन है। हाँ अगर कोई ओवैसी साहब कुछ जुगाड़ कर सकते हैं कोई आलिम विलिम का तो हम डिबेट सेट करवा सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल है क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि इस्लाम को डिबेट में जिताया नहीं जा सकता, तो कभी नहीं वो चाहेंगे कि उनका कोई आलिम जो है वो आके डिबेट करे। आरटी जी कह रहे अरे भाई मेरे मेरे पे ही चौका मार दिया साहिल भाई, तो आपने सवाल वैसा किया। सचगुरु कह रहे अपने दीनी भाई संडे को वाजिदी से भिड़ेंगे, क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक टू हमारे दीनी भाई।
और एम्बेलिस ब्लूमबर्ग कह रहे हैं रोमन का दिमाग में अंब भी नहीं टट्टी है। यार मोमिनों के दिमाग में असल में दिमाग है ही नहीं, वो ईमान का भूसा है, अल्लाह का ताला लगा हुआ है। इंडियन कह रहे लकीर उड़ते ही ये लकीर का फकीर हो जाएगा। आरडी कह रहे रामजी एट झूठा बर फ्रॉम साबरी टू शो इक्वालिटी। ओके रिस्की जट कह रहे रोमन अंपायर एम्पायर स्क्रिप्चर से दिखाओ अपना पॉइंट। और निश मोंडी कह रहे हैं मोमिन रेस्टोरेंट थूकेला रेस्टोरेंट बच के भाई। जितेंद्र सिंह कह रहे कुछ इसके जैसे गंदे होंगे वो पीते होंगे। और जईफुद्दीन भी आ गए हैं, एंट्री मारी है, कह रहे हैं डॉक्टर बत्रास हजूर थूक 1400 साल से लगातार रिजल्ट देता हुआ हुजूर थूक नुस्खा हलाल सर्टिफाइड। एस्ट्रो की सिटी कह रहे माँ से पहले बेटा मर गया थूक पी के। ओहो रोस्ट वाला आशीष कह रहे हैं आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। लुकास जी कह रही है तुम मोमिन्स सिर्फ हिंदुइज्म को टारगेट क्यों करते हो, अपने दम पे कुछ कर लो कभी अगर गुदा है तो, हर चीज में कोई और रिलीजन को घुसारते हो। क्योंकि इनको मालूम है कि बिना सहारा लिए हम नहीं इस्लाम को सही साबित कर सकते, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सहारा लेके भी ये नहीं साबित कर सकते। कैलाश जी आपके कॉन्ट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। सचगुरु करे काफिरों का हराम मोबाइल यूज करके इस्लाम का दिफा। और नमन जोशी भाई भी आए हैं आज, कह रहे आई नेवर ड्रैंक गौमूत्र, नेवर नोन इन माय सोसाइटी हु ड्रैंक मूत्र, नोबडी विल डू इट इफ ही शी इज सेम पर्सन। एग्जैक्टली रिस्की जाट करे इसको बोलो स्क्रिप्चर में दिखाएं। अरे सुनी सुनाई बातें होती है भाई इनकी, और एक नरेटिव चलाना होता है, फेक नरेटिव और कुछ नहीं। ह्यूमन बींग कह रहे फॉर इम्पैक्ट डिबेट विद ओवेसी मौलवी मौलाना इमाम्स, मैंने इसका जवाब दे दिया है हमारे ह्यूमन बींग भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सच्चा मुस्लिम साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और यार 2600 लोग देख रहे हैं, थूक मुबारक का स्ट्रीम है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है आप लोग फटाफट लाइक और शेयर करें विदाउट एनी डिले। अच्छा साहिल भाई, मुझे याद आ रही थी हजरत आयशा से जो मरवी थी कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहला बच्चा जो दारुल इस्लाम में पैदा हुआ वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर है। जब फतेह मक्का वगैरह के बाद दारुल इस्लाम में जो पैदा हुआ तो अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, तो जब उन्हें हुजूर की खिदमत में लाया गया तो हुजूर ने एक खजूर लेकर के चबाई, पहले चबाने के बाद अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के मुंह में डाल दी। तो जो चीज सबसे पहले अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के पेट में गई दारुल इस्लाम में तो वो हुजूर का ये थूक था। तो आज भी मुस्लिम जितनी भी उम्मत मोहम्मदिया है इस पर अमल करते हैं। आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो मैं अपने घरों में भी देखता हूँ कि वो उनके जो बाप रहेंगे उसको घुटली एक चबाएंगे, चबाने के बाद बच्चे के मुंह में थोड़ा सा पहले डालेंगे कि ये हुजूर की सुन्नत है, फिर बाएं कान में अजान देंगे। इस तरीके से ये रिवाज चलता है। सही बात है, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लुकास जी कह रही है मोमिन शेम ऑन यू, वजू की पाके सिखाते सिखाते थूक दिए तुम्हारे हुजूर, गलीज शी। हाँ भाई सच्चा मुस्लिम, क्या दर्द क्या दुख है ये जो जाता ही नहीं है। दुख तो मैं कोई घंटे से जो है ना सुन रहा हूँ, आधे घंटे से कम अज कम सुन रहा हूँ। और पहले अच्छा। तो मैं आप लोग के हिंदू और मुस्लिमों के अखलाक से इतना मुतासर हो गया हूँ, इतना जो हमें दिन रात अखलाक का दर्स देते हैं, तो आधा घंटा हो गया वो मैं अखलाक सुन रहा हूँ। ये आपकी माए बहने आप लोग ही कहते हो कि सुनती है, तो वो तो माशाल्लाह से काफी जो है ना आप लोग का जो पिछवाड़ा और ये और वो जो गंदी बातें सुन के ना बड़ी खुश हो रही होंगी। पहले तो मैंने कहा चलो पहले तो साहिल की बात क्लियर कर दिया, चलो अभी मेरी बात सुनो। आप दूसरे की भी सुना करो ना, आप में हौसला नहीं है, करोगे आप थोड़ा सा भी हौसला नहीं है। अच्छा चलो 30 सेकंड में आपको पूरा दे रहा हूँ, अपनी भड़ास निकालिए आप। हाँ, नहीं बड़ास में निकाल रहा हूँ मैं, सिर्फ आपकी असलियत बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ास नहीं निकाल रहा हूँ। आधा घंटा हो गया, अगर किसी में अकल होगी जो सुनने वाले हिंदू चुतिया बैठे हैं ना तो वो समझ गए होंगे कि आप क्या कर रहे हैं आधे घंटे से। घटिया हरकत मत, अरे तुम्हारे को साहिल भाई एक मिनट, अरे सच्चा मुस्लिम साहब ये चूतिया ये भूतिया ये कहाँ से आता है तुमको? ये वाकई गंदे लफ्ज़ है, तुम बात कर लो ना, जवाब दो ना। अरे सुनो ना यार, बिल्कुल फटा मत करो, मैं जवाब देता हूँ भाई। यार जान बूझ के बोले, अरे निपल लो मुँह में भाई, दूध के बच्चे की दूध की बोतल
भाई इसको पीछे करो साहिल भाई, ये यार ये आदमी सुनता नहीं है, फट जाता है यार जवाब देके। बोलो मुन्ना भाई। भाई कसम से बोलिए, एंटिक पीस है भाई, इतनी इसके पिछवाड़े में आग क्यों लग जाती है भाई? तुमने सवाल पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा, ये आते के साथ फट रहा है बातें सुन के। जवाब दे दे भाई, रसूल अल्लाह के थूक में ऐसी क्या जादू थी? अरे मुन्ना भाई मैं कह रहा हूँ, चलो तुमको नाराजगी है, गुस्सा है, जायज है तुम्हारा गुस्सा कि हम पोल खोल रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं इस्लाम की, ठीक है, मैं आपके गुस्से को मैं कदर करता हूँ कि जायज है आपका गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा हमसे है ना। अब तुम इसमें हिंदुओं को, ईसाइयों को या दूसरे दूसरे जो भी आइडियोलॉजी मानने वाले है उनसे क्यों तुमको इतना गुस्सा है? वो बेगुस्सा वो समझ में नहीं आ रहा, हट रहा है भाई, आके जवाब दे दे भाई, बता दे भाई कि ऐसा क्या थूक में प्रॉब्लम है कि ये झूठा लिखा हुआ है कि सच में थूक में बहुत ज्यादा कुछ था करके। ले लो साहब भाई, मैं अभी तक है ना कम से कम 6 से 7 नॉन मोमिनों को मैं ब्लॉक कर चुका हूँ स्ट्रीम में, जो जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं सबको ब्लॉक करते जाऊंगा। अगर आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग अगर नहीं सुनेंगे और स्टूडियो अगर आप फुल कर देंगे तो हमारे मोमिन भाई कैसे जुड़ेंगे भाई? जय राजपुताना जी, क्यों ऐसा करते हो यार? थर्सडे को ज्वाइन करिए ना भाई, मैं हूं मुल्ला साहब, नीरज तिवारी साहब, यार प्लीज थर्सडे ज्वाइन करिए आप लोग, सुबह सुबह उठ जाइए थर्सडे और उसके बाद आप लोग थर्सडे ज्वाइन करिए, प्लीज मोमिनों वाली स्ट्रीम में मत जुड़े भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हाँ सच्चा मुस्लिम साहब, अरे ये क्या सच्चा मुस्लिम, जुड़ जाओ यार फिर से, मैं आपको मौका दे रहा था अपना भड़ास निकालने का, लेकिन जो भी भड़ास है वो हम पे निकालो, ठीक है, दूसरों पे मत निकालो। स्टूडियो मैंने खाली कर दिया है तो हमारा जो मोमिन भाई जो भी जुड़ना चाहते है वो फटाफट जुड़ जाइए और रसूलुल्लाह के थूक मुबारक के बारे में हमें बताइए। ये आपके पास अच्छा मौका है, 2700 लोग देख रहे हैं, आप लोगों के पास पूरा मौका है कि आप लोग इस्लाम की हक्कानियत लोगों को बता सकते हैं और लोगों को इस्लाम में ला सकते हैं। आसिफ रुमान साहब मैं आपको थोड़े देर में लेता हूँ, आप स्टूडियो में ही रहिए, और ये हमारे रोमन अंपायर भाई मैं आपको भी लेता हूँ, जरा सच्चा मुस्लिम भाई आ गए हैं, इनका पहले मैटर क्लोज करते हैं फिर आप लोगों को लेता हूँ। हाँ सच्चा मुस्लिम भाई आपको 30 सेकंड देता हूँ, जो भी बोलना है एक्स मुस्लिम को बोलिए और खास करके आप मेरी स्ट्रीम में है। इरफान अदनान आ जाओ ना आप भी, इरफान इरफान आप पीछे क्यों बैठे हो, आप कमेंट में क्यों हो, इरफान आ जाओ ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ इरफान, प्लीज आओ ना। अच्छा सच्चा मुस्लिम भाई देखो 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए आप। हाँ मैं आपको ये कह रहा था कि देखो इससे आपके अपने स्ट्रीम को नुकसान हो रहा है, मैं तो आपका खैरख्वाह हूँ इस मुस्लिमों का, आप जब जितनी भी जो है ना गंदी बातें करोगे इधर, एक तो लोग तेरे जो है ना अखलाकियात से बड़े मुतासर होंगे, जिस तरह की तू कर रहे ना, तो तू अपने अपने मूवमेंट को जो है ना, जो तेरा मूवमेंट जिसको आप लोग मूवमेंट कहते हो ना, हालांकि आप लोग के पास कुछ है नहीं, उसी को नुकसान होगा। इससे मुझे ये बताओ कि आपसे मैं मुतासर फिर कैसे होंगे अगर आप जो है ना मुझे इधर बैठ के जो है ना मजाक उड़ाओगे, गालियां दोगे, ये करोगे, या तो बंदा एक डिबेट करते कि यार मुझे इस चीज पे एतराज है, आप तो मुझे जो है ना जिस तरह वो कहते हैं एक मसखरापन, उस हिसाब से इधर शुरू है और हिंदू बैठ के थालियां बजा रहे हैं, फिर नीचे हिंदू ही बैठे ना, नीचे हिंदू बैठे, एक मुस्लिम नहीं बैठे, मेरी बात सुने, वो थालियां सुने, हिंदू नाम लिए आदमी अपनी भड़ास निकाल नहीं ले सकता। चलो बोलो मैं फिर बोलूंगा, मैं किस लिए कह रहा हूँ हिंदू, अच्छा। हिंदू मैं किस लिए कह रहा हूँ, जो सुनने वाले तेरे वो सारे हिंदू है, तो मैं और क्या कहूँ फिर, किसने बोला आपको तेरे... कि सुनने वाले सारे, मैं 100% श्योर हूँ, अभी आपने सर्वे कराया तो थोड़ी देर पहले निकाला सर्वे, तुमने डेटा निकाला के सारे निकाले हिंदू है, मैं बताऊँ मैंने किधर से निकाले डाटा, मैंने किधर से डाटा निकाले, सुनो मेरी बात, जैसा तुम्हारा, अरे अभी सुनो तो सही जवाब, जैसा तुम्हारा इस्लाम सुनी सुनाई बातों पे टिका हुआ है और तुम सब जो है वो बिना प्रूफ वाली बातों पे तुम बने हुए हो, उसी तरीके से तुम्हारा ये जो बात है ना कि डेटा मेरे पास है, मैं 100% श्योर हूँ तुम्हारे इस्लाम की तरह, अगर अपनी बात में सच्चे हो, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, मैं ये कह रहा हूँ हमारा अल्लाह कहता है
कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। दलील दो अगर मेरी बात सुनो, दलील दे सच्चे हो, दलील दलील दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ। हाँ डेटा पेश करूं, अभी दो चार में पहले आपने एक जो है सर्वे कराए थे इधर, जिसमें नो 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 आए थे, वो कौन थे गिने आपने? बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा गिने, मैं कहता तो गिनने से भी ज्यादा थे, हर एक बार नो चल रहा था मुसलसल। अरे मेरे भाई तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो, तुम्हारे पास डेटा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चलो अभी मैंने तुमको क्या था? अपनी एक मिनट ना, मेरे पास तो डेटा नहीं था, ये क्या था? नीरज चौहान भाई को मैंने अभी, एक मिनट सच्चा मुस्लिम भाई, एक मिनट, नीरज चौहान भाई को मैंने ब्लॉक किया है और ये नेक्स्ट नंबर विनोद कुमार का है, विनोद कुमार ब्लॉक हो गए। नॉन मोमिनों की स्ट्रीम में आप लोग बिल्कुल आके कमेंट नहीं करना। ओए अरे रुको यार, तेरा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तेरा बिल्कुल कम। अरे थोड़ा रुकोगे सच्चा मुस्लिम, जिनको अभी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ प्लीज नॉन मोमिनों की स्ट्रीम में आके मुझे ये मत करना कहना कि मुझे अनब्लॉक करो, जो भी अभी ज्वाइन करेगा सबको मैं ब्लॉक करता जाऊंगा, ठीक है? हाँ सच्चा मुस्लिम भाई, अभी मैं आपसे, आपने कहा कि अच्छे से आपको जो भी एतराज है, मैं ये कह रहा था वो रखो, मैं ये कह रहा था, हाँ हाँ एतराज रख रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा था, एक तो आपको ये समझा रहा था मैं आपका खैर खा हूँ, अब आप हिंदू को ब्लॉक कर रहे हो, यही लोग आपको पैसे दे रहे बेचारे, हिंदू कब कहा? ये हिंदू है सारे यार, वो ये सारे हिंदू है ना, ये सारे हिंदू है, नॉन मुस्लिम और इधर कौन है इंडिया में, और कौन है? अरे तुम कैसे इंसान हो यार। अच्छा चलो हिंदू को ब्लॉक कर, सच्चा मुस्लिम उसको बाजू में रखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तेरा नुकसान हो रहा है ना, कोई मुश्किल नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? मैं आपसे भी ये दुकानदारी पे असर पड़ेगा, दुकानदारी पे, सच्चा मुस्लिम पे असर पड़ेगा ना, करते हैं नहीं, बात सुनो, हाँ तो आपकी मर्जी है मेरे भाई, आपकी मर्जी, नहीं करना है टॉपिक पे बात, नहीं टॉपिक जो है आप मस्खर अपन नहीं करोगे तो फिर मैं बात करूंगा, रसूलुल्लाह जो है आपके पानी के गिलास में या लस्सी के गिलास में अगर थूक दे, ठीक है, और या जो आप खाना ही ना खाते हो, ठीक है, और चिकन की तंगड़ी तोड़ते हो उसमें अपन मसाला लगाते हैं, मसाले के साथ अगर रसूलुल्लाह थूक उसमें थूक दे उसको आप अच्छा घस के, क्या आप उसको खाओगे और वो पानी पियोगे या वो रूह अफ़ज़ा पियोगे? ये मेरा सवाल है आपसे, मैं मजाक मस्ती कुछ नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियसली आपसे बात कर रहा हूँ। मैं भी आपको सीरियस जवाब दूंगा, मुझे जरा ये बताओ कि एक तो जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले जो है ना वो इस दुनिया फानी से पूछ गए, वो आके मेरे जो खाने में भी नहीं थूकते, ये तो आपको जो है ना पता भी होगा। नंबर दो, आप फर्ज कर रहे हैं ना, फर्ज कर लेते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कभी नहीं करेंगे मैं खाना खा रहा हूँ और वो आके थूक दे, क्योंकि वो एक मुस्लिम नहीं है, आप लोग की तरह जो है ना हरकत नहीं कर सकता कि कोई खा रहे हो और आपके जो है ना थूक ले, उसकी कोई अगर वजह हुई ना मैं उनको यार रिक्वेस्ट कर लूं और मैं उसको मुतबर्रक जानूं तो फिर वो दे देंगे मुझे, तो मैं बिल्कुल फिर खा लूंगा, लेकिन इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप कह रहे ना, इस तरह कभी नहीं हो सकता, ये सब जो है ना आपके दिमाग का खनास है, मैं साबित करूंगा, मैं साबित करता हूँ पहले, फिर साबित करूं, नहीं मैं साबित करता हूँ पहले, तुझे गलत साबित करता हूँ ना पहले, एक मिनट, आप जो है ना कुरान पाक की जो है ना वो देखे आपके पास, असल में जो साबित करूँ उसमें क्या साबित करूँ कि आपके पास अकल नहीं है, ठीक है? ये आप कुरान की जो है ना 11 नंबर सूरत की 24 नंबर आयत पढ़े ना, उसमें अंदर लिखे हुए कि आप में जो है ना आप अंधे और बहरे हो, तो असल मसला इधर से खराब है, आपके पास अकल नहीं है, कुरान की सूरह 11 और आयत 24 में ये लिखा हुआ है कि दो जो फरीक है ना जिसमें आप एक्स मुस्लिम और सारा कुछ शामिल करके, और मसला कहते हैं दो फरीकों का हाल ऐसा है जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने वाला और सुनने वाला, तो क्या इन दोनों की हालत बराबर है और क्या तुम नसीहत नहीं मानते? इसमें ये किए हुए और एक है 27:4 में, उसमें कहते बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते हमने उनके बुरे अमाल को उनकी निगाह में खुशनुमा बना दिए है, ये तो जानते ना खुशनुमा क्या होते हैं, तो क्या हुआ, इनकी आवाज चले गई या मेरी आवाज चले गई? नहीं, भाई इनकी आवाज चली गई भाई, ये वही बदला आवाज आपकी आवाज आपको नहीं आएगी अभी, आवाज आपको अभी नहीं आएगी, आ गए आगे सच्चा मुस्लिम, अरे सच्चा मुस्लिम आ गए, आप अपनी बात कंप्लीट करो फिर बोलो, मेरी बात कंप्लीट हो गई,
ये दोनों मैंने आपको जो किए वो आपने देख लिए और इसको निकाल के इसको भी दिखा दो, अपने दोस्तों को भी दिखा दो। ठीक है जी, बात हो गई आपकी, बात मैंने रख दिया। अब मुझे ये बताओ कि रसूलुल्लाह जो है, एक हदीस आपको बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिएगा। अब ये जो आपके सामने जो हदीस है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि कुएं में से पानी खत्म हो गया था, ठीक है, अच्छा, हाँ, और रसूलुल्लाह उसमें, मैंने पढ़े, सुनो, हाँ, आप दिन को पढ़े, बताओ, हाँ, आप मेरे को बताओ कि तुम उस वक्त मौजूद होते, ठीक है, या आज कुएं में पानी खत्म हो जाए और रसूलुल्लाह उसमें थूक दे या कुल्ली मार दे, तो उस पानी, उस कुएं से पानी पियोगे? बिल्कुल पियूंगा, उसमें तो पानी उबल पड़ा था, उसमें तो काफी पानी आ गया था। अच्छा, आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? यार रुको, सच्चा मुस्लिम रुको, ठीक जी जी, आप कह रहे हो कि आप वो कुएं का पानी पियोगे रसूलुल्लाह के, भाई तो उस वक्त भी तो मुसलमानों ने, मेरे बात सुने ना, ओए खामोश हो जा, अभी वो मुसलमानों ने पिया था ना उस वक्त, अच्छा पिया था, कोई पिया था कि नहीं पिया था, पिया था कि नहीं पिया था, आप भी वैसी बेवकूफी करोगे, तो बेवकूफी अभी आप कह रहे, तो मैं तो आपको पहले क्लियर कर दिया, कुरान में लिखे हुए कि तू पागल है, तो अभी तेरे साथ में क्या बात करूं, जो ये कह रहा हूं लिखे ना, ओ भाई लिखे ना कुरान में, सच्चा मुस्लिम, कोई नहीं, मुश्किल नहीं, एक मिनट रुको, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि रसूलुल्लाह जिस कुएं में थूक दे, उस कुएं का पानी हमारे सच्चा मुस्लिम साहब पियोगे, वही अंधविश्वासी जो रोमन अंपायर थे, सेम अंधविश्वासी हमारे सच्चा मुस्लिम भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सच्चा मुस्लिम आप समझ ही नहीं सकते, आप इस बात को समझ ही नहीं सकते, तो मैं क्या करूं, आपका लेवल ही नहीं है, आप लेवल नहीं, हाँ, नहीं है, क्या करूं, ठीक है ठीक है, सच्चा मुस्लिम बात सारा, लेवल नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा ये आगे बढ़ते जी, ये जो हदीस अभी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक एक करके आपने जवाब देते जाना है, ठीक है, मैंने दे दिया ना आपको जवाब, इससे और मैंने और क्या जवाब देने, अरे रुको तो सही, बाकी अभी ये देखो, सही बुखारी की हदीस नंबर 77 है, ठीक है, ये किससे हदीस है, ओके, अबू मूसा इनसे, मोहम्मद बिन हरब ने इनसे, जैद ने जुहरी के वास्ते से बयान किया, वो महमूद बिन अरबी से नकल करते हैं, इन्होंने कहा कि मुझे याद है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फरमाई और मैं उस वक्त 5 साल का, ठीक है, अब मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह अगर आपके मुंह में पानी लेकर आपके मुंह पे कुल्ली मार देते, पिचकारी मार देते, मेरा भाई सुनो, मेरा भाई सुनो, ड्रामेबाजी बंद करो, ड्रामेबाजी बंद करो, मैंने जवाब दे दिया आपको, ड्रामेबाजी ना कर, मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो बात मैंने बता दिया, मेरी बात तो सुन लिया आपकी बात, आप कह रहे हो कि ड्रामेबाजी बंद करो, यानी इनका कहना है कि रसूलुल्लाह अगर कुएं में थूक दे तो वो पानी मुझे पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, रसूलुल्लाह मेरे पे कुल्ली मार दे उसे मुझे पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी मुंह पे कुल्ली मार दे उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, रसूलुल्लाह खाने की हंडी में थूक दे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सच्चा मुस्लिम साहब, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि रसूलुल्लाह जब थूकते थे तो सहाबा उनके थूक को हाथों में लेके मल लेते थे, अगर आप भी रसूलुल्लाह के जमाने में रहते तो क्या आप ये आप भी यही हरकत करते, उनका थूक अपने हाथ पैर मुंह पे मल लेते? ये लास्ट सवाल है आपसे, ये मैं देता हूँ, मैं जवाब दूंगा आपको, हाँ। मुझे सिर्फ ये जो मैंने आपके सामने कुरान की 2 आयत पढ़ी ना उसके मुताबिक से अपने आप नहीं नहीं ना बता दिया मुझे, मेरे भाई, ओ मेरे भाई मैं देखो आप भी किसी का जवाब दिया करो ना, हिम्मत थोड़ी सी तो आप भी किया करो ना, हिम्मत क्यों नहीं है, पागल है मैं मान लिया, सुनो तो जब आप पागल है तो फिर आप मेरे मैं आपके साथ और बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आप साबित हो गए पागल है तो आप पागल हो गए, बाय बाय, आप पागल हो गए, थैंक यू, जा सकते आप, चलिए।